हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स। इसमें वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर कैसे एक्टिंग होता है और सीरीज में कैसे है, पैरेलल में कैसे है, ये सब अपन शंकर रेड्डी इलेक्ट्रिकल चैनल में आज डिस्कस करेंगे। अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शंकर रेड्डी इलेक्ट्रिकल चैनल, और शेयर भी करिए। इनका ऐसा अच्छा टेक्निकल टॉपिक्स अपन लाते रहेंगे। ओके, आज पहले अपन टॉपिक में जाएंगे। सीरीज एंड पैरेलल सर्किट में सीरीज और पैरेलल, सीरीज कभी भी क्वाइट अपोजिट ऑफ पैरेलल। ओके, अपोजिट उंटुंदि कदा, तेलुसा, सीरीज పేరలో ఆపోజిట్ ఉంటుంది. దాన్ని ఇప్పుడు రెసిస్టర్లో కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ కరెంట్ మే కైసే రాతే హై కర్కే అపన్ డిస్కస్ కరేంగే. ఓకే, రెసిస్టెన్స్ మే కైసే రాతా, సిరీస్ మే ఐసే రాతా, R1 R2 सीरीज में ये क्या करना, ऐड करना पड़ता है। अगर कैपेसिटर ले लेंगे तो क्या रहता, सीरीज में C1 C2 C3, इसको 1/C1 1/C2 1/C3 ऐसा होता है। तो वोल्ट मीटर को V1 V2 V3 सीरीज में रहेगा तो ऐड करना पड़ता। करंट को 1/A1 1/A2 1/A3 ऐसा रहता। ओके, वही पैरेलल है तो इसको क्वाइट अपोजिट है, 1/R1 1/R2 1/R3। तो कैपेसिटर में मैं थोड़ा सीरीज में बोला था, सीरीज में ऐसा रहता 1/C1 1/C2 1/C3 ऐसा कैपेसिटर रहता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ही डिफरेंस है सीरीज को क्वाइट अपोजिट पैरेलल। ये दिमाग में रखेंगे, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके ना, जैसे वोल्ट मीटर है, सीरीज में कनेक्ट किया तो क्या हुआ, V1 V2 V3 ऐसा बहुत सिंपल है नेटवर्क पे। ठीक है, आई होप दैट आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है किंतु जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, आप लोग को ऐसा वीडियोस और चाहिए तो शंकर रेड्डी चैनल को सब्सक्राइब करो। आज का यही टॉपिक यही है। ओके, थैंक यू, बाय।